वहीं आपको बताएं जनवरी में म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने कौन से शेयर खरीदे और किन शेयरों से उन्होंने लिया एग्जिट, हमारी सहयोगी नुपुर इस पर डिटेल्स लेकर हाजिर है। नुपुर जरा बताइए कौन से फंड मैनेजर्स ने क्या खरीदा। बिल्कुल सही कहा आपने, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कहाँ बाइंग हो रही कहाँ सेलिंग हो रही उसकी लिस्ट जब आ चुकी है। जनवरी महीने का जब एम्फी का डेटा आया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड में जो ग्रॉस खरीदारी इस बार हुई थी वो 1,00,000 करोड़ की रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउसेज की तरफ से आती थी। अब कहाँ रुख है उनका, कौन से सेक्टर्स उन्हें पसंद आ रहे हैं और कौन से स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग है और कहाँ से उन्होंने एग्जिट किया उसकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। फंड मैनेजर्स देखेंगे तो उन्होंने आईटी में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, हेल्थ केयर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो और ब्रोकिंग के ज्यादातर शेयर्स खरीदे हैं इन फंड मैनेजर्स ने। साथ ही साथ फंड एलोकेशन में आईटी का जो वेटेज है वो करीबन 9.7% था, उसे अब बढ़ाकर 10.2% कर दिया गया। ऑटो में भी एलोकेशन देखेंगे तो 10% से चढ़कर वो अब 49 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो आईटी में सबसे ज़्यादा इस बार खरीदारी दिखी है। फंड एलोकेशन में भी जो वेटेज है और ऑटो में दोनों ही सेक्टर्स में वेटेज बढ़ाते हुए दिखे। टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो फ्रेश बाइंग जो टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वहाँ पे जो फ्रेश बाइंग किस स्टॉक्स में आई है तो उसकी लिस्ट भी हमारे पास है। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, उसमें से जाइडस लाइफ साइंसेज, एलिम्बिक फार्मा, ग्लैंड फार्मा, आईसीएस सिक्योरिटीज, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ऐसे कुछ नाम है जहाँ पे फ्रेश बाइंग म्यूचुअल फंड की तरफ से आई है। फंड मैनेजर्स ने इन स्टॉक्स में अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा इंटरेस्ट अपना दिखाया। बिकवाली भी इस बार कम नहीं हुए, बिकवाली में देखेंगे तो जनवरी के महीने में म्यूचुअल फंड की जो ग्रॉस सेल है वो 83,930 करोड़ के आसपास रही है, जिसमें से फंड मैनेजर ने बैंक्स, फाइनेंशियल और इंफ्रा स्टॉक्स में इस बार बिकवाली की। बैंकिंग स्टॉक, इंफ्रा स्टॉक और फाइनेंशियल स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे इस बार म्यूचुअल फंड की तरफ से बिकवाली आती दिखी है। बैंकों का जो वेटेज है वो भी 19% से घटाकर ऑन एन एवरेज 18.7% कर दिया गया। और जो प्रमुख फंड हाउस है उन्हें बैंकिंग क्षेत्रों में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को बेचा है। तो टॉप म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में मुनाफा वसूली नजर आई है। वहां पे बिकवाली म्यूचुअल फंड हाउसेस की तरफ से जनवरी के महीने में आती दिखे। साथ ही साथ कंप्लीट एग्जिट मतलब जहाँ से पूरी तरह से म्यूचुअल फंड ने अपने हाथ हटा लिए उनमें कुछ स्टॉक्स है जो इंटरेस्टिंग नाम है जिनकी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। बीएचईएल, टाटा मेटालिक्स, आईआरएफसी, एलआईसी, एचडीएफसी, एएमसी और एचडीएफसी जैसे कुछ नाम है जहाँ पे प्रमुख म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना कंप्लीट एग्जिट लिया है जनवरी के महीने में। तो बाइंग भी इंटरेस्टिंग है और सेलिंग भी इंटरेस्टिंग है। बाइंग के लिस्ट में आईटी, ऑटो ने टॉप किया और सेलिंग की लिस्ट में देखेंगे तो बैंकिंग शेयर्स, फाइनेंशियल शेयर्स जहां पे बिकवाली जनवरी के महीने में म्यूचुअल